अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज संडे का दिन है, लंदन में धूप निकली हुई है और बच्चों को छुट्टियाँ भी हो गई हैं। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बच्चों को जब छुट्टियाँ होंगी तो मैं आपको सेंट्रल लंदन की क्रिसमस लाइट्स दिखाऊंगा। तो आज हमारा प्लान है कि शाम को सेंट्रल लंदन की क्रिसमस लाइट्स दिखाई जाए, और संडे का दिन है और आपको पता है कि देसी नाश्ते का दिन होता है, तो आज आपको हम झेलमी स्टाइल का नाश्ता कराएंगे जो पाकिस्तान झेलम तहसील रोड से बड़े मियाँ स्वीट से मिलता है। तो समझ तो गए होंगे आप, हलवा पूड़ी। तो आज आपको हम लेके जाएंगे अल क्रीम स्वीट्स रमफर रोड पे, जो लंदन के ईस्ट लंदन में वाक़िया है। तो वहाँ से आपको सेम पाकिस्तानी बड़े मियाँ स्वीट स्टाइल की हलवा पूड़ी मिलेगी, और शॉप भी एज इट इज़ जैसे बड़े मियाँ स्वीट्स की शॉप है। तो सब लोग रेडी हैं तो मेरे साथ रहिए। चलें, हम लोग सब रेडी हैं जाने के लिए। तो धूप का तो आपको मज़ा आ ही रहा होगा। संडे फैमिली डे आउट होता है, तो फैमिली डे आउट भी हो जाता है और साथ साथ व्लॉग भी बन जाता है। चले, हम पहुंच चुके हैं अल करीम स्वीट्स पे, अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनकी दुकान कैसी है और इनका फूड कैसा है। इनके पास हर तरह की मिठाई अवेलेबल है, जैसे कि जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी। इनकी पंजीरी भी बहुत मज़े की है। इसके साथ साथ ये केक्स भी बहुत अच्छे बनाते हैं। ये सुबह के नाश्ते के लिए टेली फ्रेश फेरियाँ, बाकरहानी, केक रस, क्रीम रोल और उसके साथ साथ हर तरह के बिस्कुट फ्रेश बनाते हैं। इनकी हलवा पूरी का पूरे ईस्ट लंदन में कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत मजे की इनकी हलवा पूरी होती है। रेडी हो चुका है, चलते हैं अब घर की तरफ। खुशबू तो ऐसी आ रही है कि जैसे पूछे ही मत। चले, हमने आटा अपना कलेक्ट कर लिया है, अब हम चले हैं घर की तरफ। हम यहाँ पे अक्सर बैठ के खाया करते थे, मगर कोविड-19 के पेश नज़र इन्होंने अपनी सिटिंग एरिया को बंद किया हुआ है। तो अब आपको घर में ही जाके खा के बताएंगे ये इनका टेस्ट कैसा है। चले, हम घर पहुंच चुके हैं, अब खाते हैं हलवा पूड़ी और फिर बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। सब लोगों से अभी माजरत करता हूँ, क्योंकि अभी पता चला है कि लंदन में टायर 4 का लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हम लोग ईस्ट लंदन में रहते हैं और सेंट्रल लंदन थोड़ा सा एरिया चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 25 दिसंबर तक का। 25 दिसंबर को उम्मीद है कि लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी आएगी,
तो फिर मैं आपको लेके चलूँगा सेंट्रल लंदन, जहाँ पे आपको सारी क्रिसमस लाइट्स दिखाऊंगा। और आज आपको मैं अपने एरिया की जो नई लाइट्स ऑन हो चुकी हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो पिछले वीक में दिखाई थी, मगर आज कुछ नई लाइट्स हैं, तो मेरे साथ रहिए।
चले अब हम घर चलते हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।